छत्तीसगढ़ भाजपा कार्यालय सेक्टर 33 में भी भाजपा का 41वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी ऑफिस में भाजपा का झंडा भी फहराया गया, जिसमें भाजपा के अध्यक्ष अरुण सूद, पूर्व अध्यक्ष संजय, मेयर रविकांत शर्मा समेत पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बताते चले कि भाजपा कार्यालय में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिसमें पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। आज पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है जी, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से जिस मकसद को लेके पार्टी को स्थापना की थी, आज भारतीय जनता पार्टी उस तरफ बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि भारत जो है वो दुनिया का सिरमौर बने, वो विश्व गुरु के बन के दुनिया के कल्याण के लिए आगे आए। और अब भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार जो जिस प्रकार से देश की उन्नति प्रगति के लिए काम कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ देशवासी जिस तरीके से उपेक्षा कर रहे थे, आज उस अपेक्षाओं पर भारतीय जनता पार्टी पूरी उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता आज हर्षोल्लास से पार्टी का जो है वो स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं सब चंडीगढ़ वासियों को, देशवासियों को, सब कार्यकर्ताओं को अपना पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और अपने उन सब पूर्वजों को जिन्होंने इस पार्टी को अपने खून से सींचा है, उन सबको मैं नमन करता हूं। और आज उनके अंथक प्रयासों के कारण से भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रही है। सर, भाजपा पार्टी चंडीगढ़ में विशेष तौर पर ऐसा कौन सा काम करने जा रही है जो आज संकल्प लिया है? ऐसा जी कि आज हम सबसे पहले हमने अपना ध्वजारोहण के कार्यक्रम किए, हर कार्यकर्ता ने अपने घर पे झंडा फहराया। उसके बाद हम जो है जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने स्थापना के वक्त जो हमारे कार्यकर्ता आज भी जो पार्टी का है जिनका आशीर्वाद बना हुआ है, उनको हम सम्मानित करने का काम अभी कर रहे हैं। और 10:20 पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और 10:30 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वो लाइव प्रसारण हम अभी लोग देखने जा रहे हैं। और शाम को एक हम जो कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसमें अवेयरनेस के लिए हम एक साइक्लोथॉन साइकिल रैली पार्टी ऑफिस से लेके सारे शहर में घूमते हुए पार्टी ऑफिस आएंगे। और लगभग 14 अप्रैल तक जो है कई तरह के विशेष कार्यक्रम, सेवा के कार्यक्रम, राहत के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार चंडीगढ़ की सेवा में, देश की सेवा में लगी है। सर, आज स्थापना दिवस है भाजपा की, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भारतीय जनता पार्टी का आज हम 42वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 1980 में मुंबई के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद 84 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी। तब से लेके सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ आज पिछले लगभग 7 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर सरकार चला रही है। और हमारे सम्माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस सरकार का जो उसको लीडरशिप प्रदान कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने पिछले 40 वर्षों में बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं, बड़े बड़े नेता दिए हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 1998 में हमारी सरकार बनी, और लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे नेता जिन्होंने पार्टी को सुदृढ़ करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैं मानता हूं कि इस पार्टी के एक कार्यकर्ता होने का गर्व मुझे भी प्राप्त है, और हम सब लोग मिलके इस पार्टी को और आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। मैं सारे कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और शुभाशीष देता हूं। सर, आप ही अध्यक्ष रह चुके हैं चंडीगढ़ के, और अध्यक्ष जब आप रहे हैं उस समय भाजपा ने जिस तेज़ी से चंडीगढ़ में ग्राफ उठा है, एमसी के चुनाव भी जीते, दो बार सांसद भी यहाँ से चुने गए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भारतीय जनता पार्टी उससे भी अच्छे तरीके से अरुण सूद जी के नेतृत्व में काम कर रही है, और मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पिछले रिकॉर्ड्स को भी बीट करेंगे।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।